जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा यहाँ पे यहाँ की वाइब्रेशंस बड़ी स्ट्रांग है ऐसे लगता है जैसे प्रभु यहाँ पे कन कन में मौजूद हैं मैं पिछले कुछ दिनों से काफी पीड़ा में था अभी तीन दिन पहले जब हमारे मनोज भाई पे हमला हुआ आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होंगी मैंने भी तस्वीरें देखी उनका बीच में से सर फाड़ दिया मैं तीन दिन सो नहीं पाया आज यहां आके जब अभी हम आरती कर रहे थे मैंने आंख बंद करके प्रभु से पूछा मैंने कहा हमारी गलती क्या है हम तो सही रास्ते पे चल रहे हैं हम तो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं गरीबों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं समाज की सेवा कर रहे हैं फिर इतनी बाधाएं क्यों हैं हमारे निहत्थे भोले भाले कार्यकर्ताओं पे इस तरह से हमले क्यों हो रहे हैं मुझे एक आवाज आई ऐसे लगा जैसे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि अगर तुम सत्य के रस्ते पे चल रहे हो तो बाधाएं आएंगी और बहुत सारी बाधाएं आएंगी अगर आज बेईमानी करना चालू कर दो तो रास्ता बड़ा सरल है बाधाएं सारी खत्म हो जाएंगी इतिहास गवाह है कि जब जब सच्चाई के रस्ते पर चलने की कोशिश की गई बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आई हैं प्रभु ने कहा इसी रस्ते पर चलते रहो अच्छा काम कर रहे हो जब तक इसी रास्ते पे चल रहे हो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर रास्ते से भटक गए अगर झूठ का सहारा लिया बेईमानी शुरू की तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा दोस्तों ये स्थान ये पंडाल बहुत ही अद्भुत पंडाल है आज हम यहाँ पे गणपति जी के सामने प्रण लेके जाए कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना है हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी है कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी है जिसमें इस देश का हर व्यक्ति खुशहाल हो हर व्यक्ति सुखी हो हमारे देश के अंदर सुख शांति हो चारों तरफ समृद्धि हो गरीबी दूर हो अशिक्षा दूर हो तभी हमारा देश दुनिया का नंबर वन देश बनेगा हमारे लोगों में बड़ी ताकत है हमारे देश के लोगों में बड़ी ताकत है हमारे देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। व्यवस्था खराब है इस व्यवस्था को बदलना है आज हम सब लोग यहां से प्रण लेके जाएंगे कि हम सब मिलकर इस व्यवस्था को बदलेंगे